हाँ मित्रों, मैं एक बार फिर से गुरुजी उपस्थित हूँ। चलते हैं बिना समय गवाए हुए सक्षमता परीक्षा की तैयारी करते हैं। आज का विषय है राष्ट्र स्तर पर बिहार का करंट अफेयर्स। एक नंबर से यानी 46 नंबर से स्टार्ट करते हैं। कैदियों के लिए डिजिटल साक्षरता अभियान शुरू करने वाला बिहार का पहला जिला कौन सा है? तो बांका है। 47 नंबर, भारत के सबसे बड़ा जूट और फाइबर पार्क कहाँ खोला जा रहा है? तो पूर्णिया में, ठीक है। और 48 नंबर, बिहार का पहला कचरा मुक्त शहर का दर्जा किसे दिया गया? तो सुपौल को दिया गया है, सुपौल नगर परिषद को, ठीक है। अब चलते हैं 49 नंबर शुरू करते हैं, देखते हैं। लोहिया स्वच्छ बिहार कार्यक्रम के तहत बिहार का पहला टॉयलेट क्लिनिक कहाँ खोला गया? तो कुढ़नी प्रखंड मुजफ्फरपुर में खोला गया। चलते हैं 50 नंबर, बिहार की पहली नदी जोड़ी परियोजना कौन सी है जिसे हाल ही में जल शक्ति मंत्रालय ने अनुमति दी? तो कोची मेची लिंक नदी जोड़ योजना। आगे देखते हैं 51 नंबर, बिहार का पहला खाद्य प्रसंस्करण कार्यालय कहाँ खोला गया? पटना में खोला गया। जी हाँ, बिहार का पहला खाद्य प्रसंस्करण कार्यालय कहाँ खोला गया? तो पटना में खोला गया। आगे 51 नंबर हो गया है, 52 नंबर, बिहार के पहले पशु प्रजनन उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? जी हाँ, बिहार के पहले पशु प्रजनन उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? पिपरा कोठी पूर्वी चंपारण में किया गया। चलते आगे देखते हैं 53 नंबर, जैविक कॉरिडोर योजना के तहत बिहार की पहली जैविक हाट कहाँ खोली गई? जी हाँ, जैविक कॉरिडोर योजना के तहत बिहार की पहली जैविक हाट कहाँ खोली गई? तो भागलपुर में खोली गई। 54 नंबर, बिहार का पहला नगर वन किस जिला में बनाया जा रहा है? जी हाँ, नगर वन कहाँ बनाया जा रहा है? तो ब्रह्मयोनी पहाड़ी बोधगया में बनाया जा रहा है। आगे 55 नंबर, बिहार की पहली फार्मर प्रोड्यूसर चाय कंपनी किस जिला में खोला गया? तो किशनगंज जिला में खोला गया। 56 नंबर, बिहार में कृषि उत्पादकों के निर्यात के लिए पहला इनलैंड कंटेनर डिपो कहाँ बनाया जा रहा है? तो फतुहा में बनाया जा रहा है। कहाँ बनाया जा रहा है? फतुहा में बनाया जा रहा है। 57 नंबर, 18 वर्ष से अधिक उम्र के 100% लोगों का टीकाकरण करने वाला बिहार का पहला प्रखंड कौन बना? बनकटवा प्रखंड, जी हाँ, पूर्वी चंपारण में है। 18 वर्ष से अधिक उम्र के 100% लोगों का टीकाकरण करने वाला बिहार का पहला प्रखंड बनकटवा प्रखंड बन गया है, जो पूर्वी चंपारण में है। चलते आगे देखते हैं 58 नंबर, बिहार के किस जिले के उद्योग केंद्र परिसर में राज्य का पहला मुख्यमंत्री उद्यमी पार्क स्थापित किया जाएगा? तो पूर्णिया में किया जाएगा। एक बार फिर सुन लें, बिहार के किस जिले में उद्योग केंद्र परिसर में राज्य का पहला मुख्यमंत्री उद्यमी पार्क स्थापित किया जाएगा? तो पूर्णिया में किया जाएगा। 59, 18 वर्ष से ऊपर की आबादी की कोविड वैक्सीन की पहली डोज देने वाला बिहार का पहला जिला कौन बना? तो पूर्वी चंपारण बना। 60 नंबर, बिहार का पहला बैम्बू गार्डन कहाँ बनाया जाएगा? जी हाँ, बैम्बू गार्डन कहाँ बनाया जाएगा? तो महाबोधि कन्वेंशन सेंटर परिसर बोधगया में बनाया जाएगा। 61 नंबर देखते हैं, बिहार का पहला ईस्ट राइट कैंप्स FSSAI द्वारा किसे घोषित किया गया? जी हाँ, बिहार का पहला ईस्ट क्या पहला ईस्ट राइट कैंप्स FSSAI द्वारा किसे घोषित किया गया? तो नवादा को घोषित किया गया। किसको नवादा किया? नवादा जेल को घोषित किया गया। चलते हैं फिर 62 नंबर, बिहार का पहला नॉन कमर्शियल ब्लड बैंक, क्या कमर्शियल ब्लड बैंक का नाम है माँ ब्लड बैंक, कहाँ खोला जाएगा? माँ ब्लड बैंक कहाँ खोला जाएगा? पटना में खोला जाएगा। बिहार का पहला कोशी सफारी एक प्रकार का नौका बिहार कहाँ शुरू किया गया? तो सुपौल जिला में शुरू किया गया। कौन सा जी? तो कोशी सफारी,
एक प्रकार का नौका विहार खोला गया। जी हाँ, शुरू की गई है, सुपौल जिला में किया गया है। 64 नंबर, बिहार का पहला जू सफारी कहाँ शुरू किया गया? बिहार का पहला जू सफारी कहाँ शुरू किया गया? तो राजगीर में शुरू किया गया, नालंदा में, राजगीर नालंदा में। चलते हैं आगे, 65 नंबर, बिहार का पहला नेचर सफारी कहाँ शुरू किया गया? तो राजगीर में, नालंदा। चलते हैं 66, बिहार का पहला फ्लोटिंग सोलर पावर पॉइंट कहाँ बना? बिहार का पहला फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट कहाँ बना? तो दरभंगा में बना। चलते हैं 67 नंबर, बिहार का दूसरा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट कहाँ बना? सुपौल बना। 68, बिहार का पहला वानिकी कॉलेज कहाँ निर्माण किया जा रहा है? जी हाँ, वानिकी कॉलेज कहाँ निर्माण किया जा रहा है? मुंगेर में किया जा रहा है। आगे 69 नंबर, बिहार का पहला मॉडल फ्लोरिकल्चर सेंटर कहाँ बन रहा है? तो भगन बिघा नालंदा में बन रहा है। 70 नंबर, बिहार में पहली बार ड्रोन टेक्नोलॉजी के माध्यम से फसलों पर पेस्टिसाइड का छिड़काव का मॉक ड्रिल कहाँ किया गया? तो बेगूसराय में किया गया, बेगूसराय में किया गया। 71 नंबर, कोरोना संक्रमितों में ओमिक्रॉन वेरिएंटियर का पता लगाने के लिए बिहार का पहला जीनोम सीक्वेंसिंग लैब कहाँ खोला गया? तो आईजीएमएस पटना। चलते हैं आगे, देखते हैं 72 नंबर, बिहार का पहला जैविक कृषि ग्राम कहाँ बना? तो कैरिया ग्राम जमुई में बना। जहाँ जैविक कृषि ग्राम कहाँ बना? कोरिया ग्राम जमुई में बना। चलते हैं आगे, देखते हैं, बिहार का पहला टेक्सटाइल पार्क कहाँ बनाई जाएगी? टेक्सटाइल पार्क कहाँ बनाई जाएगी? चनपटिया पश्चिम चंपारण में बनाई जाएगी। 74 नंबर, ई ऑफिस कागज रहित प्रणाली से संचालित होने वाला बिहार का पहला जिला सहरसा है। आगे 75 नंबर, बिहार का पहला विभाग जो पूरी तरह डिजिटल हो गया है, तो डिजिटल हो गया है सूचना प्रौद्योगिकी विभाग पटना हो गया है। चलते हैं आगे, देखते हैं 76 नंबर, बिहार का पहला डबल डेकर फ्लाईओवर कहाँ बन रहा है? फ्लाईओवर कहाँ बन रहा है? तो छपरा में बन रहा है, जिसकी लंबाई 3.5 किलोमीटर है। 77 नंबर, बिहार का दूसरा डबल डेकर फ्लाईओवर कहाँ बनेगा? फ्लाईओवर कहाँ बनेगा? पटना बनेगा, कारगिल चौक से पटना साइंस कॉलेज तक। आगे 78 नंबर, बिहार का सबसे बड़ा मॉडर्न कार्गो टर्मिनल का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? सारण जिला में किया जा रहा है। 79 नंबर, मछली का दाना तैयार करने के लिए बिहार का पहला फिश फीड मिल का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? विक्रमगंज रोहतास में। आगे 80 नंबर, बिहार का पहला एक्सप्रेस वे कहाँ बनाया जाएगा? जी हाँ, बिहार का पहला एक्सप्रेस वे कहाँ बनाया जाएगा? औरंगाबाद से जयनगर तक। आगे 81 नंबर, सत्र 2021-22 में हिंदी माध्यम से इंजीनियरिंग की पढ़ाई शुरू करने वाला भारत का पहला संस्था कौन बना? नीट पटना, NIT नीट पटना बना। 82, किस जिले में चाय के पत्ती तोड़ने वाली महिलाएं के लिए बिहार का पहला फर्म प्रोड्यूसर कंपनी का गठन किया जा रहा है? तो किशनगंज। 83, बिहार का पहला बायो डाइवर्सिटी पार्क कहाँ बना? तो कुर्सिया गांव अररिया। चलते हैं, 84 नंबर, बिहार का दूसरा बायो डाइवर्सिटी पार्क कहाँ बन रहा है? तो डोभी गया। आगे 85 नंबर, देखते हैं, बिहार का तीसरा बायो डाइवर्सिटी पार्क कहाँ बनाए जाने की घोषणा हुई? सुपौल में हुई। ठीक है, आगे 86 नंबर, बिहार का दूसरा रोपवे का उद्घाटन कहाँ किया गया? मंदार पर्वत बांका। 87, बिहार के पहले ट्रांसजेंडर कांस्टेबल कौन बने थे? ट्रांस कांस्टेबल, जी हाँ, ट्रांस
जेंडर कांस्टेबल कौन बने थे जिनकी मृत्यु हाल ही में ट्रेन से कटकर हो गई? रचित राज। 88, बिहार का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल पार्क कहाँ बन रहा है? इंडस्ट्रियल पार्क कहाँ बन रहा है? डोभी गया। 89, बिहार का पहला नगर वन पार्क कहाँ बन रहा है? बिहार का पहला नगर वन पार्क कहाँ बन रहा है? तो गया में बन रहा है। ठीक है, 90 नंबर देखते हैं। बिहार का पहला खेल विश्वविद्यालय कहाँ बन रहा है? यहाँ बिहार का पहला खेल विश्वविद्यालय कहाँ बन रहा है? तो राजगीर में बन रहा है। बिहार के किस जिले में पहली बार गया ने टेस्ट ट्यूब बच्चिया को जन्म दिया? यहाँ टेस्ट ट्यूब बच्चिया को जन्म दिया, बेगूसराय। 92, बिहार का पहला सरकारी अस्पताल जहाँ टेस्ट ट्यूब के माध्यम से बच्चे माँ अनिता देवी सहरसा को जन्म दिया, IGMS पटना। चलते हैं 93 देखते हैं। डिजिटल फर्टिलिटी मैप तैयार करने वाला बिहार कृषि विश्वविद्यालय साबोर के सहयोग से बिहार का पहला जिला कौन बना? किशनगंज बना। आगे 94 नंबर, बिहार का पहला 100% डिजिटल बैंकिंग वाला पहला जिला कौन बना? तो जहानाबाद बना। जी हाँ, जहानाबाद बना। 95, बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व बैंक रिजर्व कौन बनने जा रहा है? एक बार फिर सुन लें, बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व कौन बनने जा रहा है? तो कैमूर। पहला है ये चंपारण है, पश्चिम चंपारण में है, वाल्मीकि अभयारण्य। चलते हैं आगे देखते हैं। 96, बिहार का पहला रबर डैम कहाँ बन रहा है? फाल्गु नदी गया में बन रहा है। बिहार का पहला रामसर साइट किसे घोषित किया गया था? एक बार फिर सुन लें, बिहार का पहला रामसर साइट किसे घोषित किया गया था? तो कांवर ताल बेगूसराय। आगे 98, बिहार का पहला साइंस सिटी का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? साइंस सिटी का निर्माण पटना में किया जा रहा है। बिहार का दूसरा एम्स की निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो दरभंगा में किया जा रहा है। और चलते हैं 100 नंबर, आखिरी नंबर, अगर यहाँ तक बने हैं तो एक लाइक जरूर बनता है मित्रों, एक लाइक जरूर करें। देखते हैं आगे, 100% उपभोक्ताओं के घरों में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने वाला बिहार का पहला प्रमंडल कौन बना? तो अशियाना नगर पटना बना। यहाँ तक बनने के लिए थैंक यू, शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।